पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के युवा निर्यातक अमित अग्रवाल अब देश के निर्यातकों का प्रतिनिधित्व सरकार के साथ मिलकर करेंगे। भारत सरकार के अधीन एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर की जिम्मेदारी सरकार ने मुरादाबाद के युवा निर्यातक अमित अग्रवाल को दी है। अमित अग्रवाल को ECGC के डायरेक्टर की जिम्मेदारी मिलने के बाद मुरादाबाद के निर्यातकों में खुशी की लहर है। डायरेक्टर बनने के बाद मुरादाबाद पहुंचे अमित अग्रवाल का निर्यातकों ने स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। लघु उद्योग भारती के बैनर तले निर्यातकों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया और बधाइयां दी गईं। डायरेक्टर बने अमित अग्रवाल ने कहा कि निर्यातकों की सभी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा, साथ ही परेशानियों को हल कराया जाएगा। अमित अग्रवाल ने सभी का आभार जताया, साथ ही स्वागत करने वाले लघु उद्योग भारती निर्यातक संगठन का आभार जताया है। ये तो साहब मुरादाबाद का सौभाग्य है कि हमारे अजय भाई साहब, जिमी भाई साहब, जो कि प्रदेश सचिव हैं, और हमारे अंशुल जी, हमारे चैप्टर चेयरमैन लघु उद्योग भारती मुरादाबाद के, इनके उत्कृष्ट कार्य हैं, इनके इतने अच्छे कार्य हैं कि मुरादाबाद की ख्याति आज राष्ट्रीय पटल पर उस स्तर पर पहुँच गई है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के चयन के लिए मुरादाबाद का नाम सरकार के सामने था। और ये एक बहुत सौभाग्य की बात है कि इस पद की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो सरकार को, हमारे समाज को और हमारी इंडस्ट्री को मुझसे अपेक्षाएं हैं, मैं उनको पूरा कर सकूं। आज वेलकम करने आपकी टीम आपके पास पहुंची है, क्या कहेंगे? देखिए साहब, ये हमारा लघु उद्योग भारती हमारा एक परिवार है, उन्हीं के स्नेह और उन्हीं के सहयोग से आज ये मुकाम हासिल हुआ है। और ये एक शुरुआत है लघु उद्योग भारती की, जिस तरह से समाज हित में, और हमारा तो नारा है राष्ट्र हित उद्योग हित, और इसी लक्ष्य पर जिस तरह से काम कर रही है, तो उसी का परिणाम है कि ये अचीवमेंट्स हो रहे हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार के हित में काम करने में सहभागिता हमें प्राप्त हो रही है। तो आगे इसी को जारी रखेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद लघु उद्योग भारती के पूरी टीम का, जिनकी एकजुटता की वजह से और जिनके मार्गदर्शन से और स्नेह से हमें ये सफलताएं प्राप्त हो रही हैं। इस दौरान LUB के प्रदेश सचिव अजय गुप्ता ने कहा कि लघु उद्योग भारती में अहम जिम्मेदारी निभाने के बाद अमित अग्रवाल को अब सरकार के साथ मिलकर कार्य करने का मौका मिला है, जो LUB के साथ साथ मुरादाबाद के लिए भी सौभाग्य की बात है। ये मुरादाबाद LUB के लिए बड़ा स्वाभिमान का दिन है, क्योंकि हमारे अमित जी पहले जब चैप्टर चेयरमैन बने थे तो अभी उनसे बड़ी उम्मीदें रखी गई थी, और वो उम्मीद अपनी उम्मीदों पर पूरा खड़े होते हैं। उन्होंने मुरादाबाद चैप्टर LUB के लिए इतना काम करा कि मेरे ख्याल से कोई और एसोसिएशन ने इतना काम नहीं करा होता, जिसकी वजह से LUB का नाम बहुत ऊपर उठाया, और इसी वजह से इनका नाम ऊपर नेशनल लेवल ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया ECGC के डायरेक्टर बनने के लिए। आज ये डायरेक्टरशिप इन्हें मिल गई है, और बड़ी प्रयत्न हुआ इसके लिए, जो LUB के जो हमारे नेशनल लेवल और के चेयरमैन हैं, उन्होंने बहुत प्रयत्न किया और आज ECGC के डायरेक्टर बनने के, मतलब अमित जी ECGC के डायरेक्टर बने। भाई देखिए, मुरादाबाद को ECGC की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे उधार में ही माल दिया जाता है, कुछ पेमेंटें रुकती भी हैं, और आने वाला टाइम इस समय एक्सपोर्ट के लिए बड़ा खतरनाक है। और इनके डायरेक्टरशिप होने से ECGC में जो केसेस लंबित हो जाते हैं वो जल्दी से जल्दी निपट सकते हैं, और अच्छे मतलब पेमेंट लोगों के जो इंश्योरेंस है वो मिल सकता है। LUB के मुरादाबाद अध्यक्ष अंशुल अग्रवाल ने कहा कि मुरादाबाद के निर्यातकों की आवाज़ अब सीधे सरकार के सामने हो सकेगी, जिसके बाद यदि कोई समस्याएं आएंगी तो एक्सपोर्टर्स की जन समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारित कराया जा सकेगा, फाइनेंस से जुड़ी सभी समस्याओं को हल कराने में मदद मिलेगी। इस दौरान स्वागत करने वालों में अजय गुप्ता, अंशुल अग्रवाल, रचित अग्रवाल, मयंक अग्रवाल, राकेश ढल, नीरज गांधी, अंकित सिंह के साथ अन्य निर्यातक भी मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं अमित जी को बहुत बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं।
दूसरा लघु उद्योग भारती के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि लघु उद्योग भारती मुरादाबाद से नेशनल लेवल पे ECGC जो कि एक इंश्योरेंस एक्सपोर्ट इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो दो इंडिविजुअल डायरेक्टर्स होते हैं उसमें से एक अमित जी हैं, का नाम मनोनीत हुआ था लघु उद्योग भारती की तरफ से और उनको चिन्हित किया गया और उनको ये दायित्व दिया गया। ये हमारे लिए पूरे लघु उद्योग भारती मुरादाबाद के लिए और मुरादाबाद एक्सपोर्ट फ्रेटर्निटी के लिए बहुत हर्ष का विषय है और मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और ये जब अमित जी आए हैं, अमित जी बहुत ही उन्होंने अपने टेन्योर में पिछले बहुत ही इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा काम किया, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया, जो समस्याएं थी उनको आगे लेकर के गए, उसके समाधान निकाले। तो इसी कंटिन्यूएशन में, इसी सीक्वेंस में जो ECGC में लोगों को, जो एक्सपोर्टर्स को, जो इंडस्ट्री को प्रॉब्लम आती है वो अमित जी के माध्यम से उसका समाधान होगा। जो हैरेसमेंट पहले हुआ करता था वो अब नहीं होगा, इस बात का पूरा हमें विश्वास है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो है जो समस्या पहले ECGC के साथ आती थी, जो हमें चीज़ें पारदर्शित नहीं थी, अब वो जो है पारदर्शिता से एक्सपोर्टर्स के पास जाएंगी और उस चीज़ का सबको लाभ मिलेगा। पब्लिक TV आपकी आवाज़।